मांगनी होगी गोपी चंद चंद्रावल के किस्से से। और उस समय की बात की जब गोपी चंद जोग धारण कर लेता है और भिक्षा लेने के लिए अपनी बहन चंद्रावल के द्वार पर पहुंचता है, अलख जगाता है। जब अंदर से वो चंद्रावल आती है, अपने भाई को जोगी के भेष में देखती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने लगी, रे मेरा तो तू इकलौता भाई था, मेरे पीहर का तू ही तो ठिकाना था, और तू भी जोगी बन गया है। किस तरह से रोने लगी, टकराने लगी, तो क्या गोपी चंद कहने लगा, आइए दोनों के सवाल जवाब इस रागिनी के द्वारा लेकर के आ रहे हैं मैडम अनुराधा शर्मा मुजफ्फरनगर वे ज्ञानेंद्र सरधाना प्रहलादपुर फरीदाबाद। योगी बन के आया मेरे इकलौते भाई, जब माही ना रोई मत रोवे माँ जाई, जब माही ना रोई मत रोवे माँ जाई। योगी बन के आ गया मेरे इकलौते भाई, जब रोवे माँ जाई, जब माही ना रोई मत रोवे माँ जाई। जिस माँ ने मुझे जोग दिलाया है, जब वो माही ना रोई तो तू क्यों रो रही है लाडली? लेकिन मेरे भाई, फिर तू क्यों पछताई। योगी बन के आ गया मेरे इकलौते भाई, जब माही ना रोई मत रो। ये तो
जा मने दुनिया बिसराई। योगी बन के आ गया मेरे इकलौते भाई। जब माही ना रोई मत रो चंद्रावल, मैं राजपाट सब कुछ त्याग चुका हूँ। लेकिन वो 16 हो जाए कैसे रहेंगे तेरे बगैर मेरे भाई। जिनका कोई नहीं होता उनका राम रुखाड़ा होता है लाडो। चंद्रावल अब ये फैसला नहीं बदल सकता। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, अब परमात्मा की भक्ति में लीन हो चुका है तेरा भाई। Jump on my